के साथ चेतन पाठक। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद कई दिनों से गहराया हुआ है, खास तौर पर भगवा रंग की बिकनी को लेकर कुछ वर्ग के लोगों में काफी गुस्सा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों की चेतावनी है कि जहां ये फिल्म रिलीज होगी उस थिएटर को आग के हवाले कर दिया जाएगा। इस बीच अब शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में पठान से जुड़े विवादों के सवालों के जवाब दिए। संजय राउत से पूछा गया कि पठान फिल्म को लेकर काफी हल्ला है, इस बारे में उनकी क्या राय है। संजय राउत ने कहा, पठान फिल्म में एक्ट्रेस की बिकनी को लेकर विवाद घिरा हुआ है। अभी मुंबई में एक बीजेपी नेता है जिन्होंने उर्फी जावेद के कपड़ों को लेकर कमेंट किया है। उससे भी बड़े प्रश्न इस देश में है। अगर भगवे का सवाल है तो कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो बीजेपी के करीबी हैं, उन्होंने भी इस रंग को लेकर गलत किया, उनका क्या हुआ। राउत इसी के साथ पठान फिल्म का सीन काटे जाने पर भी बोले। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड जो सरकार के हाथ की कठपुतली है, शाहरुख खान की फिल्म पर कैची चल गई। हालांकि आप उस देश में रहते हैं जहां लोग अपने पसंद का काम कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। हाँ, यदि पर्दे पर नंगा नाच हो रहा है तो ठीक है, आप उस पर निर्णय ले सकते हैं। सिर्फ आपने इसलिए उस सीन को हटाया कि कपड़े का रंग भगवा है तो ये गलत है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कलाकारों ने पर्दे पर किया है। अब इस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।